इंडस्ट्री में आए दिन बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पे फिल्में बन रही हैं, तो अभी प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा बन चुका है हर आर्टिस्ट, सिर्फ लड़कियों की नहीं, लड़कों की भी मैं बात करूँगी, हर किसी के लिए बहुत जगह है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में। एंड वी आर लुकिंग आउट फॉर न्यू कमर्स, हम लोग वेट कर रहे हैं कि नए बच्चे आए और अच्छा अच्छा काम करें, अपना नाम बनाएं। जब महिला प्रधान फिल्में भोजपुरी में बनी है, उसको अच्छे घर के लोग भी थिएटर जाकर देखे, मैम क्या इस तरह के फिल्म में, इस तरह के कंटेंट पे काम करना, और आप लोग जब आते हैं तो क्या सोचते हैं कि किस तरह से भोजपुरी परिवेश का ख्याल रखा जाए यहाँ के ऑडियंस का? हम लोग हमेशा कंटेंट पे ही ध्यान देते हैं, स्क्रिप्ट सिलेक्ट करने से पहले हमारा पूरा फोकस इसी बात पर रहता है कि हम क्या शूट करने जा रहे हैं, हम हमारी स्क्रिप्ट को, हमारी उस फिल्म के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी स्क्रिप्ट होती है, बाकी सारी चीज़ें बाद में होती है। तो ऑब्वियसली जब भी कंटेंट बेस्ड सिनेमा बनेगा लोगों को पसंद आएगा ही, हर बार ऐसा हुआ है कि जब भी हमने अच्छे कंटेंट पर फिल्म बनाई है लोगों को पसंद आई है, सो वही हमारा सबसे बेसिक रीज़न होता है फिल्म। जी जी बिल्कुल, अभी 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 जैसे आपने कहा कि फीमेल ओरिएंटेड फिल्मों की बात, तो मैंने अभी मंडप फिल्म की है जो बहुत लोगों को पसंद आई, उससे पहले एक विद्या फिल्म की, फिर नैहर फिल्म की, ऐसी कई सारी फिल्में लाइन अप है जो लोगों को पसंद आ रही है। तो बिल्कुल आपका सवाल एकदम सही है, जब भी कंटेंट को ध्यान में रख के फिल्में बनाई जाती है तो लोग पसंद करते हैं। क्या उसी पर ध्यान दें, क्या मरताली जी भी चुनाव लड़ सकती हैं, अक्सर ऐसी खबरें निकल कर आ जाती हैं? मैं तो कभी भी लड़ सकती हूँ, एक बार गुस्सा आ जाए मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ, बस गुस्सा दिला दो आप बीजेपी में ही, बीजेपी में, बीजेपी से ही आपसे भी लड़ सकती हूँ। फिलहाल मैं एक्टिंग कर रही हूँ, उस पर ध्यान दे रही हूँ। आपसे एक सवाल रहेगा, कौन आ रहा है निरहुआ भैया, सवाल रहेगा मेरा, सांसद कौन आ रहा है? पवन सिंह, पवन सिंह आ रहे हैं, अगला नंबर तो पवन सिंह का है। कल कल्लू जी ने भी स्टेज पे कहा था पावर स्टार पवन सिंह जी को कि भैया भोजपुरी में तो पावर स्टार को देखेंगे ही सांसद में, तो निरहुआ भैया क्या कहेंगे बीजेपी को लेके, क्योंकि खास करके वो अभी राम भजन भी लाए हैं मोदी जी पे, तो उस चीज को लेके भी क्या मुझे लगता है कि जो हमारा भोजपुरी समाज है, आप सच जानते हैं कि हमारा भोजपुरी समाज जो है वो इतना देश के प्रति लगाव रखता है जी। आपको पता है कि हमारे बिहार की धरती से ही बाबू वीर कुंवर सिंह जी को आप याद करते हैं जी, तो देश प्रेम इतना भरा हुआ है ना भोजपुरी भाषियों में कि जो देश के लिए अच्छा कर रहा है जब भी आएंगे तो उनके साथ ही आएंगे।